मॉर्निंग एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड कवर्ड द टॉपिक ऑफ इन एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस, वी हैड कवर्ड द टॉपिक ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेट साइक्लोन उन एरियाज का है, डेवलप नेशंस के आसपास के एरियाज का ये फिनोमिना है, मेजरली नदर लैटिट्यूड में, क्योंकि लैंड मास ज्यादा है और हमारे मोस्टली जो डेवलप नेशंस हैं वो नदर लैटिट्यूड में हैं, तो इसलिए टेम्परेट साइक्लोन के ऊपर अच्छी खासी स्टडीज भी हुई हैं, क्योंकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बाद ही हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल पाई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर विंड सर्कुलेशन सिस्टम है, क्लाउड फॉर्मेशन है, कंडेंसेशन है, तो इन सब की रीडिंग के लिए हमको जो इक्विपमेंट चाहिए थे और जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उसके बाद से इन सारे एरियाज के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ। तो डेवलप नेशंस में क्योंकि ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है, पैसा है, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन के को लेके बहुत अच्छे डेटाज हैं या बहुत अच्छे उनके ट्रेजेक्ट्री के मैप्स हैं। लेकिन जब ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस का दूसरा एस्पेक्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन जब ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरफ हम देखते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलपिंग नेशंस के फिनोमिनाज हैं, या आप बोलोगे लेस डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड नेशंस के फिनोमिनाज हैं। यहाँ पे क्योंकि रिसर्च बहुत लेट स्टार्ट हुई, डेटा गैदरिंग बहुत लेट हुआ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत बाद में विकसित हुई, तो इनके डेटाज अब हमारे समक्ष आने लगे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तक भी, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और फाइट और हमारे जेट टेक्नोलॉजी है या एरोप्लेन्स है, फाइटर प्लेन्स हैं, वो ट्रॉपिकल एरियाज में जब जाते हैं तो उनको इतने लंबे समय तक वर्ल्ड वॉर चला, तो उनको जो क्लाइमेट है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल लगा, या उन्होंने जैसा सोचा था उस प्रकार का क्लाइमेट नहीं था। वहां से एक कोशिश स्टार्ट हुई कि हमें इन सब की वेदर स्टडीज भी करनी पड़ेगी, क्लाइमेट की स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि हम ट्रॉपिकल एरियाज को भी उतनी गहराई से जान पाएं जितना हम टेम्परेट को जानते हैं। तो इसीलिए क्योंकि डेवलप्ड नेशन ने ही ये मुहिम स्टार्ट करी, तो जाके रिसर्च स्टार्ट होती है ट्रॉपिकल एरियाज के वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक के साथ ही भी ज्योग्राफी या रिसर्चेस इन्वॉल्व होती हैं। ऑलराइट, तो इसी तहत हमने जैसे जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी में एयर मासेस के कॉन्सेप्ट, फ्रंट के कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, टेम्परेट साइक्लोन कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज। थंडरस्टॉर्म एज इफ फॉर नाउ नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जब यहाँ पे ह्यूमिडिटी इवापोरेशन करेंगे तो वहीं पे ही कंडेंसेशन के साथ थंडरस्टॉर्म करेंगे। थंडरस्टॉर्म का मतलब है बिजली कड़कना, तो जब भी बिजली कड़केगी, बादल बरसेंगे, तो कंडेंसेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ये इसके साथ ज्यादा सूट करेगा टॉपिक। उसके बाद तो आसान से टॉपिक है आपका प्रेसिपिटेशन है, या वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल है, या फिर हमारा कोपन्स का क्लासिफिकेशन है, तो दो तीन लेक्चर और रह जाएंगे फिर क्लाइमेटोलॉजी हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ऑलराइट, चलो क्विकली से देख लेते हैं। हमें जब सविंद्र सिंह पढ़नी है, ह्यूमिडिटी वाला ऑलरेडी आपको क्लियर है, एयर मासेज आप पढ़ चुके हैं, फ्रंटोजेनेसिस साइक्लोन एंटी साइक्लोन मैंने कवर करवा ही दिया है। अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला एरिया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडोज एंड एंटी साइक्लोन, ये यहां से आप लोग पढ़ लेंगे। ऑलराइट जी, चलिए सबसे पहले परिभाषित करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और टॉर्नेडो है क्या। जब हम साइक्लोन्स को, साइक्लोन एज अ कॉन्सेप्ट जिसका मतलब है लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर एट द सेंटर एंड हाई प्रेशर एट द पेरिफेरी, एंड विंड्स आर रशिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है साइक्लोन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, साइक्लोन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि साइक्लोन ट्रॉपिकल एरियाज में बना है या टेम्परेट एरिया में बना है, तो साइक्लोन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन दो पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन जब साइक्लोन को ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी डिवाइड किया जाता है तो तीन भाग हो जाते हैं। सबसे बड़ा साइक्लोन है टेम्परेट साइक्लोन, जो स्लगिश है, बड़ा है तो स्लो चलता है, उतना ज्यादा एब्रप्शन नहीं है या इंटेंसिटी नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि टेम्परेट से छोटे हैं, जीएस में हम पढ़ चुके हैं, छोटे सिस्टम है, लो प्रेशर सेंटर है, ट्रॉपिकल एरियाज में डेवलप होते हैं, कुछ दिन के लिए बनते हैं, फिर डिसिपेट हो जाते हैं जैसे ही लैंड के ऊपर आते हैं, और समुद्र में ही पनने वाले सिस्टम है। इनके बाद एक तीसरा सिस्टम है जिसको बोला जाता है टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज का हिंदी में मतलब होता है भवंडर टाइप का, जो जनरली जब हम लोगों को साइक्लोन सबसे पहली बार, जब तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, सबसे पहली बार साइक्लोन सुनने के बाद जो इमेज हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि हमने डिस्कवरी देखा है, इंग्लिश मूवीज देखी है, तो राउंडेड सिस्टम जो होता है वो जो हमारे समक्ष आता है, डेट इज टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो वो प्रकार का सिस्टम है कॉन्सेप्ट वाइज वही लो प्रेशर एट द सेंटर, हाई प्रेशर एट द पेरिफेरी, बट इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी छोटा होता है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जैसे टेम्परेट साइक्लोन का तो डायमीटर हम 3-3 हज़ार मीटर का मानते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायमीटर हम मानते हैं कि 150 से 600 किलोमीटर का डायमीटर है, लेकिन टॉर्नेडोज का डायमीटर तो कुछ मीटर्स में ही सीमित होता है, तो छोटा डायमीटर है, 150 से 600 मीटर का डायमीटर है, तो बड़ा नहीं होता, छोटे से एरिया होते हैं लेकिन बहुत स्पीड से चलते हैं। तो इनकी इंटेंसिटी, जब भी हम वर्ड यूज करेंगे कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है या कम है, तो इंटेंसिटी का मतलब समझिए, इंटेंसिटी मतलब होते हैं दो, एक है विंड वेलोसिटी, दूसरा है हमारा रेनफॉल। तो इन दोनों से हम इंटेंसिटी का मतलब होता है। अगर हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की टेम्परेट से इंटेंसिटी ज्यादा है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई विंड वेलोसिटी एंड द क्वांटम ऑफ रेनफॉल दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉजिंग। सिमिलरली विद द केस, इन द केस ऑफ टॉर्नेडोज हम बोलते हैं रेनफॉल और विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई दीज टू फीचर्स आर डिस्ट्रक्टिव इन देयर कैरेक्टर। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं, क्योंकि हाई विंड वेलोसिटी है तो मींस कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे, सेबोटाज करेंगे। बारिशें बहुत ज्यादा है तो फ्लडिंग के फिनोमिनाज आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, एक बार इनकी इमेजेस देख लेते हैं, आपको पता चलेगा किस प्रकार से दिखते हैं। देखिए, ये एक साइक्लोन आया था अभी कुछ समय पहले, इसका नाम था टॉटिकी, और ये गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट पे आया हुआ साइक्लोन है। इस साइक्लोन की इस तरह से एरियल इमेजेस, जो मैं कहता हूँ कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से ही इनको ठीक से, इनके पाथ और ट्रेजेक्टरी को मैप किया जा सकता है, तो क्लाउड फॉर्मेशन के बेसिस पे जब इनकी मैपिंग करते हैं तो पता चलता है कि किस तरह से ये चल रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर दिखाए गए हैं। दूसरा साइक्लोन आप देखिए, बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, बहुत फेमस साइक्लोन था, लास्ट ईयर सन 2020 में जनवरी में आया था, और अम्फन इसका नाम रखा गया। तो ये भी एक साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है। तो ये दो इमेजेस के द्वारा आप देख सकते हैं कि साइक्लोन किस प्रकार से दिखता है। टॉर्नेडोज की शक्ल देखिए आप, देखिए ये यूएसए के मेजरली, जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये यूएसए के फिनोमिना है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, प्रेरीज के जहां ग्रासलैंड है, जब से यहाँ पे वेजिटेशन को काटा गया है और ग्रासलैंड को डेवलप किया गया है, पर्टिकुलरली प्लांटेशन, जब यूरोपियन प्लांटेशन इंडस्ट्री का आया था मेडाइवल टाइम्स में, कॉटन प्लांटेशन करी, शुगर केन प्लांटेशन करी, वीट फार्मिंग करी, उसके बाद से ये टॉर्नेडोज डेवलप होना शुरू गए हैं, डस्ट बाउल की तरह ये उठते हैं। तो डस्ट बाउल मीन्स क्योंकि यहाँ पे जब भी हार्वेस्टिंग सीजन आता है, गर्मी आती है, तब टॉर्नेडोज के डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है, लो प्रेशर सिस्टम, कन्वेक्शन के सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। तो ये टॉर्नेडोज का आप देखेंगे किस प्रकार से ब्लैक डेंस क्लाउड है, क्योंकि कंडेंसेशन इज वेरी वेरी हाई। सिमिलरली आप ये एक पिक्चर में देख सकते हैं टॉर्नेडोज के मोशन को, तो काफी अच्छा दृश्य है। अगर आप देखोगे तो इनका जो साइज है, डायमीटर बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन विंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है, जैसा कि मैंने बताया। और ऊपर की तरफ आप देखोगे कितना बड़ा डाइवर्जेंस का सिस्टम बना हुआ है, क्लाउड देखिए एक मशरूम की तरह ये दिखते हैं, जैसे इस इमेज को भी देखिए एक मशरूम की तरह दिखते हैं। और इनका जो टिल्ट होता है, देखिए टिल्ट कुछ इस तरह से होता है कि एक नीचे का लो सिस्टम यहाँ होगा तो हाई प्रेशर जो अपर सिस्टम होगा इस तरह से टिल्ट की फॉर्म में आगे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एट दी हायर ऑल्टीट्यूड वेलोसिटी ऑफ विंड इज हाई, तो जो हाई वेलोसिटी विंड इनको थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट कर देंगे, तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलते हैं। ऑलराइट जी, अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे हमने बाकी के सिस्टम को डेवलप स्टडी किया था, तो हमने बड़े स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टडी किया है। इन सारे पॉइंट्स को आप स्वयं नोट्स कीजिए, नोट कीजिए, आपके नोट्स में भी ऑल्दो दिए गए होंगे। कभी भी सवाल आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन पे, सवाल 20 नंबर का है, 5 नंबर का है, स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, परिभाषित करो क्या होते हैं साइक्लोन, साइक्लोन बनते कैसे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। बन जाते हैं तो क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। बन गए तो फिर जब मूव करते हैं तो मूव करते हुए उनकी मूवमेंट के क्या पाथ हैं और किन जगहों पे माने पाए जाते हैं। बेसिकली दीज आर द रीजंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये फ्लडिंग करते हैं, क्या ये डिवास्ट्रेशन करते हैं, तो क्या डिवास्ट्रेशन विंड वेलोसिटी की वजह से है या कोस्टल फ्लडिंग है। उसके बाद एक नया टॉपिक मैंने ऐड किया इसमें, नेमिंग ऑफ द साइक्लोन, कि इन साइक्लोन के नाम कैसे रखे, फालिन नाम किसने रखा, अम्फन नाम किसने रखा। तो ये जो अलग अलग नाम है, जैसे अभी एक साइक्लोन आया था यास,
तो ये किसने नाम रखते हैं, कौन है ये जो साइक्लोन के नेमिंग करते हैं। लास्ट पार्ट है इसमें, सेवन पार्ट लिख लीजिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। इंडिया की जरूर फोटोग्राफ आनी चाहिए कभी भी साइक्लोन की बात कर रहे हो तो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इंडिया के कौन कौन से एरिया हैं साइक्लोन के लिए वनरेबल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी। ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेवल जोन है साइक्लोन के, फॉलोड बाय दिस जोन। तो ये जो दो एरियाज हैं, पेनिनसुलर इंडिया के ईस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे साइक्लोन हिट करता है। तो इनका टाइमिंग पता होनी चाहिए कब हिट करता है, एरियाज पता होने चाहिए कब हिट करते हैं, ठीक है। डिजास्टर यहीं से फिर आपका निकल के आता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइक्लोन के लिए किस प्रकार से हमारी है। ऑलराइट जी, चलिए अब परिभाषित करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन को। तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है और इनके अंदर हाई, जब इनको टेम्परेट साइक्लोन से डिस्टिंग्विश करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि कोर के अंदर जहाँ लो प्रेशर है और जहाँ हाई प्रेशर एट दी पेरीफ्री है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। डायामीटर कम है, डायामीटर कम है, डिफरेंस ज्यादा है, तो विंड बहुत तेजी से रश इन करेगी जिसकी वजह से विंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है और ये साइक्लोन मूव करते हैं अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स, और ये ईस्ट टू वेस्ट अपनी दिशा रखते हैं जब ये मूव करना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को परिभाषित करते हैं। एक डायग्राम जरूर बनाएंगे जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाएंगे, ये एनसीईआरटी से पिक डायग्राम है। अगर आप सेंटर में देखेंगे एक लो प्रेशर सिस्टम है, जब उसके भी सेंटर में एक आई बनाई है और सारी विंड यहाँ से सेंटर पे रशिंग करके स्पाइरली ऊपर की तरफ को उड़ती है और ऊपर जाके डाइवर्ट हो जाती है। तो ये सिस्टम हमने पहले भी समझा है कि कुछ इस तरह से डेवलप होता है, यहाँ पे विंड ऊपर स्पाइरली जाती है और जो बीच में लो प्रेशर सिस्टम है इसके भी बीच में एक आई ऑफ द साइक्लोन बनती है, जिसके बारे में अभी मैं जब कैरेक्टर्स बताऊंगा तो बताऊंगा। ऊपर डाइवर्जन जरूरी है ताकि ये नीचे वाला सिस्टम लगातार चलता रहे। नीचे अगर कन्वर्जिंग सिस्टम है तो आपको पता है कन्वर्जिंग सिस्टम के ऊपर हमेशा डाइवर्जिंग सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम काम करता है, जहां पे विंड उस स्पाइरली ऊपर की तरफ को उठ रही है उसी के आसपास आप देखोगे क्लाउड्स की बैंड बनते हैं, सीरीज ऑफ क्लाउड्स बनते हैं। बैंड का मतलब है कहीं लेयरिंग में क्लाउड्स होते हैं और इनके अलग अलग नाम है, डेंस काले बादल ही है मेजरली, जिनको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बोला जाता है। ये जो पूरा साइक्लोन है जब कैरेक्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, जितना ऊंचा ट्रोपोस्फेयर है। तो इस प्रकार से साइक्लोन बनता है। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी कुड से कि ये साइक्लोन के बनने की कंडीशंस क्या हैं। अब देखिए सेंटर पे लो प्रेशर सिस्टम बनने के लिए आपको टेम्परे, ये ट्रॉपिकल एरियाज हैं तो यहाँ फ्रंट फॉर्मेशन तो है नहीं, कन्वर्जेंस नहीं है। तो लो प्रेशर सिस्टम कब बनेगा, जब सेंटर के ऊपर बहुत गर्मी होगी, तो मींस सी टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रॉपिकल एरियाज का ही फिनोमिना है जब 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। लेट सपोज इंडिया के आसपास, मान लो यहाँ अंडमान के आइलैंड हैं, यहाँ पे साइक्लोन बनने की संभावना ज्यादा है क्योंकि लैंड के ऊपर 27 डिग्री जल्दी से डेवलप हो जाता है। तो एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम मिल जाता है, यही डेवलप होके इन फ्यूचर साइक्लोन होगा। तो अगर ट्रॉपिकल ओशंस में आइलैंड बना हुआ है, साइक्लोन बनने की सबसे पहली कंडीशन पूरी हो गई है कि लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। तो मींस अगर लैंड एरिया है वहां पे जल्दी लैंड गर्म हो जाता है तो लो प्रेशर सिस्टम का काम करेगा और आसपास से एयर को सक इन करेगा। फिर ये जो सेंटर है यहाँ पे कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल राइज ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, दूसरा, इस साइक्लोन को ड्राइव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से आती है। कंडेंसेशन तब होगी जब इवापोरेशन होगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको डेवलप होने के लिए पानी चाहिए, तो ओशंस एंड सीज के ऊपर ही डेवलप होने वाले सिस्टम है। जैसे टेम्परेट साइक्लोन जमीन के ऊपर भी बन जाते हैं क्योंकि इनके लिए दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस चाहिए, नॉट नेसेसरली कि लैंड चाहिए कि वाटर चाहिए। वाइल इन द केस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इट इज प्री रिक्विजिट वी नीड वाटर, मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ही वो एनर्जी है जो इनमें इंटेंसिटी डालती है। और माना जाता है कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितने पूरे यूएसए, जैसे कि जब हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता है कि यूएसए का पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बहुत हाई है और कंप्लीटली यूएसए ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का 1/3 एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, 1/4 एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जितनी पूरे यूएसए की 10 दिन की एनर्जी कंजप्शन है, इतनी अकेली एनर्जी एक साइक्लोन में डिसिपेट होती है। तो मींस बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप सोचो कि किस कैलिबर की विंड वेलोसिटी होती है और कितना ज्यादा थंडर स्टॉर्म और रेनफॉल इन्वॉल्व है। ऑलराइट, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करने के लिए आपको मॉइस्चर चाहिए, फिर अपर एयर डाइवर्जन चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी बनाया कि अगर नीचे, जैसे यहां मैंने आपके लिए डायग्राम क्रिएट किया था कि अगर आपको
नीचे की तरफ कन्वर्जेंस है, तो इस विंड को लगातार ऊपर की तरफ फेंकने के लिए और आसपास रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अपर एयर डाइवर्जिंग सिस्टम भी चाहिए होता है। तो इस तरह से साइक्लोन के लिए अपर एयर डाइवर्जेंस भी चाहिए। एक चीज और है कि अगर सारी विंड एक पर्टिकुलर एंगल पे ना जाके सीधे एक दूसरे से टकराएगी तो ये विंड कोलैप्स कर जाएंगी और लो प्रेशर सिस्टम कोलैप्स करेगा। इस लो प्रेशर सिस्टम को लगातार लो प्रेशर बनने के लिए विंड का स्पाइरली ऊपर की तरफ उठना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आपको आपको कोरियोलिस फोर्स चाहिए ताकि ये ना कि स्ट्रेट करके एक एंगल पे एक दूसरे से टकराएं। इसलिए हमेशा जब भी सेंटर पे विंड को रशिंग करवाया जाता है तो आप हमेशा देखोगे बेंड दिखाए जाते हैं। दिस बेंड इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। तो कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट होना चाहिए, इसी की वजह से आप देखते हो जो साइक्लोन है वो तकरीबन 8 डिग्री बियॉन्ड नॉर्थ एंड साउथ बियॉन्ड आते हैं और तकरीबन 35 डिग्री सब ट्रॉपिकल एरियाज तक भी चले जाते हैं। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो इन रीजन्स पे पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एंड द वार्म वाटर। ऑलराइट, क्लाइमेट चेंज का देखो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसमें। एक और हम फैक्टर इन्वॉल्व कर सकते हैं साइक्लोन के अंदर, जब हमने इतने सारी चीजें इन्वॉल्व करी, विद द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन विल इंक्रीज, बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन को ज्यादा ही टेम्परेचर चाहिए। जो आज टेम्परेचर 30-35 डिग्री पे अवेलेबल है, क्लाइमेट चेंज होने के बाद आज से 30-40 साल के बाद वो टेम्परेचर 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटिट्यूड में भी मिलेगा। मीन्स इनके जोन्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा जगहों पे आएंगे और ट्रॉपिकल, क्योंकि और गर्म हो जाएंगे तो सी टेम्परेचर जल्दी से 27 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी या बेसिकली इवोपरेशन रेट बढ़ेगा। इवोपरेशन रेट बढ़ेगा तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन विल इंक्रीज विद ग्लोबल वार्मिंग। तो आप इसको हमेशा क्लाइमेट चेंज से भी किसी भी टॉपिक को, अगर वो ज्योग्राफी का है, कनेक्ट अवश्य करिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है ऑप्शनल में, जैसा कि मैंने कई बार बताया, ऑप्शनल की अपनी वोकैबुलरी को यूज कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड जैसे टेक्निकल वर्ड, कोरियोलिस फोर्स है, क्या क्या कंडीशन है, साथ में रेंज बढ़ा दी। साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा है, इंडिया के एग्जाम्पल दो, नेमिंग ऑफ द साइक्लोन बताओ, रीसेंट एग्जाम्पल कोट करो कि इंडिया में इस साल कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन आए, साथ में क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। ठीक है, तो आप सारे डायमेंशंस खोल दो तो आपको देखोगे एग्जामिनर खुल के मार्क्स देना शुरू करेगा। ऑलराइट, चलिए जी, ये एक डायग्राम है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, यही डायग्राम आप पेपर में बनाएंगे। जब मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन में बताता हूं, तो हम कहते हैं कि साइक्लोन में इतनी तेजी से विंड ऊपर की तरफ राइज करती है कि सेंटर पे इतनी कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन का मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होती है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज के बाद यहाँ टेम्परेचर डिप हो जाता है और एयर बहुत हैवी हो जाती है। एक बार वो मॉइस्चर को रिलीज कर देती है, एयर ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है तो हैवी हो जाती है, वो इतनी तेजी से नीचे की तरफ गिरती है। तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट कर देती है। जब भी एयर नीचे को बैठेगी तो आपको पता है क्या बनता है, एंटी साइक्लोन। तो सेंटर ऑफ द साइक्लोन में आपको एंटी साइक्लोन देखने को मिलेगा, पर केवल ट्रॉपिकल में, नॉट इन द टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन में इतनी तेजी से हवा रशिंग करती है कि सेंटर पे एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, कंडेंसेशन होती है, फिर वही एयर भारी होके अचानक से नीचे की तरफ बैठती है, जिससे जब साइक्लोन निकलता है तो वहां पे जब आई ऑफ द साइक्लोन क्रॉस करता है तो ऐसा देखने को लगता है कि आसमान साफ हो गया। जब भी एयर नीचे को बैठेगी, देयर विल बी नो क्लाउड फॉर्मेशन, सिंस क्लाउड फॉर्मेशन इज नॉट देयर, ओपन एंड क्लियर स्काई विल बी देयर, सनी वेदर विल बी देयर। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आसमान साफ हो गया, अब साइक्लोन चला गया। लेकिन अभी साइक्लोन का इतना सा ही हिस्सा आपके सर के ऊपर से गुजर के गया था, दिस इज आई ऑफ द साइक्लोन। जब आपको ऐसा लग रहा है कि तूफान की शांति हो गई है, फिर अचानक से हाई वेलोसिटी विंड एंड लॉट ऑफ कॉपियस रेनफॉल विल टेक प्लेस। तो मीन्स ये तूफान से पहले वाली शांति का मतलब रहा होगा कि शायद आई ऑफ द साइक्लोन क्रॉस हो। ऑलराइट, सुनामी के केस में भी देखते हैं कुछ इस तरह से होता है। जब भी सुनामी आने वाला होता है, पहले वाटर पीछे को रिसीड करता है। अगर आपको पानी पीछे को अचानक से जाता दिखे तो इसका मतलब है एक हाई इंटेंसिटी और हाई एम्पलीट्यूड वेव आने वाली है, मीन सुनामी आने वाला है। क्योंकि वेव आपको पता है इसी तरह से चलती है, जब आपके कोस्ट में वेव आती है तो पहले पानी पीछे को खींचता है, वेव की ऊंचाई बढ़ती है, फिर अचानक से स्प्लैश की तरह, सर्फ की तरह वेव आके बीच के ऊपर गिर जाती है और कोस्टल फ्लडिंग करती है। ऑलराइट जी, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइक्लोन में देखिए, ये जो आई वॉल है
यहीं पे ही क्लाउड ऊपर की तरफ को उठते हैं और यहाँ क्यूमुलोनिम्बस, जैसे रेन बैंड वर्ड आपने यूज करना है, टेक्निकल वर्ड है, रेन बैंड का मतलब है सीरीज ऑफ क्लाउड पैरेलली बन जाते हैं और ये सारे क्लाउड रेनफॉल करते हैं। तो जब साइक्लोन का मतलब है कि बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें आपको पैचेज में क्लाउड्स देखेंगे और हर क्लाउड थोड़े थोड़े इंटरवल में जाके बारिश कर रहा होगा। पूरा अगर हाइट देखेंगे इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की, जैसा कि मैंने बताया, अप टू ट्रोपोस्फेयर होता है जो कि ट्रॉपिकल एरिया में 16 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर इसका डायमीटर देखेंगे तो 500 किलोमीटर का डायमीटर निकल के आ रहा है, एवरेज डायमीटर 150 से 500 के आसपास ही होता है। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्क्स। देखिए अब क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। अब हमने यहाँ पे, मैंने बताया था ज्योग्राफर कोड करना है तो बेयर्स का कंट्रीब्यूशन है, तो हमने बेयर्स को कोड किया है। बेयर्स कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन दुनिया के वेल डिफाइंड एरियाज में आते हैं, इनका मतलब है ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही आते हैं। उसके बाद ये कहते हैं इनको बनने के लिए सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री चाहिए, जो हम पहले बता चुके हैं। ये कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट फॉर्मेशन नहीं होता, एंटी साइक्लोन की मोशन से कोई लेना देना नहीं है, ये स्वयं बनते हैं। जैसा कि मैंने जब आपको बताया, जहां पर भी टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था तो मैंने बोला था कहीं ना कहीं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी साइक्लोन भी बन रहा होगा, जहां पे विंड नीचे को सेटल डाउन हो रही होगी। और ये जो पूरा सिस्टम है, साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोन, दिस इज टेम्परेट साइक्लोन, दिस इज एंटी साइक्लोन, ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में ही काम करेगा। तो मीन्स साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन विल वर्क इन टैंडम, वाइल ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टैंड अलोन फीचर हैं, जो कि बेयर्स भी बोलते हैं। ये कहते हैं कि द इंटेंसिटी इज मोर देन टेम्परेट साइक्लोन, इंटेंसिटी का मतलब मैं बता चुका हूँ विंड वेलोसिटी एंड रेनफॉल से है। फिर हम बोलते हैं रेगुलरिटी से नहीं आते हैं, जितना टेम्परेट साइक्लोन प्रिडिक्टेड है उतने प्रिडिक्टेड नहीं है, अचानक से टेम्परेचर रीच हो गया और समुंदर है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो जाएंगे, छोटे दिन का फीचर्स हैं। टेम्परेट साइक्लोन अपने आप में 30-30, 40-40 दिन का फीचर है कि मेडिटेरियन सी से हिंदुस्तान में आते आते उसे पूरा महीना लग जाएगा और फिर यहाँ जाके डिसिपेट होगी एनर्जी। तो मीन्स टेम्परेट साइक्लोन आर बिगर फीचर्स और इनकी ट्रेजेक्ट्री काफी प्रिडिक्टेड होता है, क्योंकि स्लगिश मूवमेंट है, बहुत बड़े अपने आप में सिस्टम है, ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करते। ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटे सिस्टम है, अचानक से रातों रात अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों बदल लेते हैं, इसलिए बहुत प्रिडिक्टेड नहीं है, कहीं पे भी जाके डिवास्टेशन कर देते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमें बोला जाता है कि सेंटर ऑफ द साइक्लोन को हमेशा बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन, जहां पे एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन है, विंड ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है। ये पूरा सिस्टम को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कंटेंट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से डिराइव होती है, ये इसकी मुख्य बात है। ऑलराइट, तो ये फीचर्स आप बताएंगे ताकि ऑप्शनल के लेवल में अब दम आ पाए। ऑलराइट जी, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज इसी के अंदर कि किन रीजन्स में या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, जैसा कि हिंदुस्तान में आपको पता है ये पोस्ट मानसून है। पोस्ट मानसून का मतलब मैंने बताया था, क्योंकि अगर पानी को गर्म होने में टाइम लगता है तो बिकॉज वाटर आर कंजर्वेटिव दे टेक अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू रेज देयर टेम्परेचर टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से इन पानी को जब तक 2-3 महीने की गर्मियां नहीं काटेगा, अप्रैल ऑनवर्ड गर्मियां नहीं काटेगा, तब तक साइक्लोन डेवलप होने की कंडीशंस नहीं बनेगी। तो अप्रैल मई जून में जाके डेवलप होना शुरू होते हैं और उसके बाद जब मॉनसून आता है हिंदुस्तान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलना शुरू हो जाती है पोस्ट मॉनसून, तो ये फीचर्स इंडिया के अंदर इंपैक्ट करते हैं। तो अप्रैल टू दिसंबर इनका टाइम फ्रेम है, कभी भी इस मौसम में आ पाते हैं, प्राइमरली जून ऑनवर्ड आना शुरू होते हैं। तो पोस्ट मॉनसून इंडिया में है, तो मींस पूरे नदर लैटिट्यूड में इनके आने का जो टाइम है वो थोड़ा सा गर्मियों के बाद का है, मींस मई जून की गर्मियों के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में आएंगे। ठीक है, नॉर्थ नदर प्लेन्स में, नॉर्थ नदर हेमिस्फेयर में आएंगे क्योंकि समर्स का टाइम है। साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स टाइम है कि हमारी जब सर्दियां होंगी तब साउथ में साइक्लोन आ रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनकी गर्मियां होंगी। तो हमारे ऑटम में, हमारे स्प्रिंग में उनके साइक्लोन आ रहे होंगे, क्योंकि वहां पे सीजनल रिवर्सल ऑफ सीजन का रिवर्सल है, जैसा कि हमें देखने को मिलता है हमारी गर्मियां उनकी सर्दियां, तो उनका साइक्लोन का सीजन है तो हमारी उस टाइम पे सर्दियां आना शुरू हो गई होंगी। ऑलराइट, तो गर्मियां आना शुरू हो गई होंगी। तो इस तरह से साइक्लोन का अलग अलग टाइम फ्रेम है, ऑप्शनल लेवल पे टाइम फ्रेम लिखना जरूरी है, अगर जीएस होता तो केवल आप डायरेक्शन बना के छोड़ सकते थे। ऑलराइट, देखिए अब इनको आपको पता ही है दुनिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इनको अटलांटिक ओशन में, या जब भी ये अमेरिका को हिट करेंगे, चाहे इस डायरेक्शन से हिट करें या इस डायरेक्शन से हिट करें, इनको हरिकेन्स बोला जाता है। जब ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया को हिट करेंगे तो इनको टाइफून्स बोला जाता है। जब ये हिंदुस्तान में आएंगे तो इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। और आपको पता है जापान में इनको अब टाइफू बोला जाता है, और
हमारे ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली बोला जाता है, तो ये सारे ट्रॉपिकल एरियाज हैं। हाँ, टाइमिंग अलग अलग है नॉर्थ और साउथ की। ऑलराइट, साउथ अटलांटिक ओशन में ये नहीं बनते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है टेम्परेचर की वो नहीं इनको मिलती है, क्योंकि फॉकलैंड करंट के द्वारा यहाँ पे ठंडा हो जाता है ओशन बहुत ही जल्दी, जिसकी वजह से यहाँ पे नेसेसरी सी सरफेस टेम्परेचर नहीं मिलता। ये एक्सेप्शनल केस है कि साउथ अटलांटिक ओशन में साइक्लोन तकरीबन मिसिंग है। ऑलराइट, देखिए अब इनका नाम कैसे रखा जाता है। देखिए 12 नेशंस हैं जो कि इंडियन ओशन के आसपास हैं जिनसे साइक्लोन को फर्क पड़ता है, अराउंड द इंडियन ओशन। इन 12 देशों से पूछा गया, चलो हर देश अपने नाम बताओ कि आप साइक्लोन का क्या नाम रखा जाए ना चाहिए आपके हिसाब से। तो हर किसी से 8 नाम ले लिए, तो 12 के 12 देशों से नाम ले लिए, तो 96 नेम्स आ गए आईएमडी के पास। अब इन नेम्स को आईएमडी ने बता दिया कि भाई इस साल साइक्लोन आएगा तो बांग्लादेश वाला नाम लिस्ट 1, पहले इनको खत्म किया जाएगा, फिर लिस्ट 2 पे जाया जाएगा, फिर लिस्ट 3 पे, ऐसे करके जब सारे नाम खत्म होंगे तो नई लिस्ट बनाएंगे। जैसे लास्ट साइक्लोन इन जनवरी 2020, जैसा कि मैंने बताया, आप लिख सकते हैं अम्फन, बहुत फेमस साइक्लोन था, बहुत डिवास्टेशन कर सकता था, लेकिन हमारी अच्छी डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से नुकसान नहीं हुआ। तो ये जनवरी सन 2020 में आया था, एकदम कोरोना से जस्ट पहले वाले टाइम का साइक्लोन है अम्फन। फिर हमारे नाम खत्म हो गए तो हमने कहा चलो सारे नेशंस नई लिस्ट दो, तो उन्होंने नई लिस्ट दी, तो हमने फिर से लिस्ट ली और 12 नेशंस ने हर किसी ने अपनी लिस्ट दी है, तो 8 नाम फिर से दिए गए हैं। अब नाम देखो, निसर्गा, गति, निर्वार, ये सारे नाम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अभी जो लास्ट साइक्लोन, अभी जिसका नाम और मैंने फोटो दिखाई, टॉकेटी है, ये गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। दूसरा साइक्लोन है यास, ये अभी आया था और ये ओमान ने नाम प्रपोज किया है। अगर आप रीसेंट साइक्लोन देखोगे बड़े, जैसा कि मैंने बताया अम्फन बड़ा साइक्लोन था, निसारगा बड़ा साइक्लोन था, सन 2020 में मुंबई और गुजरात में आया। गुलाब, अभी नाम देखा था, देखिए ये रहा गुलाब नाम, तो ये अभी ही आया हुआ था। ऑलराइट, टॉकेटी मैंने अभी नाम बताया, यास। तो इस तरह से रीसेंट साइक्लोन आप अपने नोट्स में इंटीग्रेट करोगे, जो अभी तक साइक्लोन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब सर्दियों का सीजन है, अब इस साइड पर साइक्लोन नहीं आया करेंगे, ठीक है। अब दिसंबर आ चुका है, ठंड आ चुकी है, अब साइक्लोन नहीं आते। तो इस तरह से साइक्लोन के हमने सारे एस्पेक्ट को देखा, कैसे नाम रखा जाएगा, हिंदुस्तान में कहां पे आते हैं। अब एक पिक्चर में आप देखिए, अब देखिए इंडिया के अंदर साइक्लोन, देखिए ये सारे एरियाज हैं जो प्रोन टू साइक्लोन है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा साइक्लोन आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइक्लोन जब बनते हैं, तो मैंने बताया था ट्रेड विंड के इम्पैक्ट में ये मूव करते हैं, तो जब ये बनेंगे तो इंडिया के बे ऑफ बंगाल में बनके ईस्टर्न कोस्ट को हिट करेंगे, तो इसलिए इंडिया का ये वाला जो एरिया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ज्यादा वल्नरेबल है साइक्लोन के लिए। साइक्लोन बहुत अंदर तक इम्पैक्ट नहीं करते लाइक टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो चला रही होती है वो होती है लेटेंट की हीट ऑफ कंडेंसेशन, मींस लगातार एवोपरेशन होना जरूरी है ताकि उसको मॉइस्चर मिले और दूसरा उसको एनर्जी मिले। तो जैसे ही ये समुन्द्र से दूर जाते हैं, लैंड के अंदर एनक्रोच करते हैं, तो इंक्लूडिंग इंटू दी सर्टेन लेंथ, ये अपने इस मॉइस्चर को और इस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को छोड़ चुके होते हैं या इनसे छूट जाती है, उसके बाद इनका इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट इन दी इनलैंड एरियाज। अब यहाँ पे कम क्यों आते हैं, क्योंकि जनरली जो साइक्लोन अरेबियन सी में बनते हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो ये अरेबियन सी में बनने के बाद ये अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यमन, कतर, इन सारे एरियाज को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये इंडिया पे नहीं उस तरफ जाते हैं। कुछ साइक्लोन होते हैं जो बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशंस मुड़ के हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मियां तो होती हैं और आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात का ये वाला एरिया बहुत गर्म है, तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम आता है जो साइक्लोन को अपनी तरफ पुल कर लेता है लोकल फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि बड़े सिस्टम नहीं है। बड़ा सिस्टम होता है तो मूव करना मुश्किल होता है, उसमें मल्टीपल सर्कुलेशन सिस्टम को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े। लेकिन अगर साइक्लोन जैसा छोटा सिस्टम है, उसकी मूवमेंट इजी है, क्विक है, एजाइल है, तो इसलिए अगर आप देखोगे कहीं पर ये मुड़ के ट्रेजेक्ट्री इधर को कर लेते हैं और यहाँ पे फ्लडिंग और कोस्टल इनंडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब साइक्लोन देखो नुकसान कैसे करता है, तीन वे नुकसान है। अब विंड वेलोसिटी का क्या फर्क पड़ता है, देखो विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लोगों के घरों को तोड़ देगा, ट्रीज को अपरूट करेगा, गाड़ियों को उड़ा के ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विंड वेलोसिटी इंपैक्ट करती है। विंड वेलोसिटी आपको पता है, जब हमने ओशनोग्राफी जीएस में पढ़ा, तो वेव को भी ड्रैग करती है, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती भी हैं डेट आर बिकॉज ऑफ द ड्रैगिंग ऑफ द वेव बाय द विंड।
तो ये विंड अगर की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो विंड अपनी 90-10% एनर्जी वेव को ट्रांसफर करती है। तो विंड अगर 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो वेव 20 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इस स्पीड से जब वेव चलेंगी तो वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है कोस्टल एरिया में आते आते, क्योंकि सर्फिंग फिनोमिना है, वो टकरा के आप देखोगे टॉपल इफेक्ट आता है। तो उसकी वजह से वेव जैसे ही कोस्टल एरिया में हिट करेगी, ये हाई वेलोसिटी वेव, इनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और कोस्टल एरियाज में एनक्रोचमेंट कर देगी और कोस्टल फ्लडिंग करेगी। तो हाई विंड वेलोसिटी से वेव की ऊंचाई बढ़ती है, वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और इस एम्पलीट्यूड के बढ़ने से कोस्टल एरिया में फ्लडिंग हो जाती है। कोस्टल फ्लडिंग ड्यू टू एनक्रोचमेंट ऑफ सी वाटर, सिंपल। दूसरी बात, अब साइक्लोन हमें पता है बारिश भी करते हैं और कोस्टल एरिया में बारिश करते हैं। एक तो कोस्टल एरिया में समुंदर का पानी आ गया, दूसरा कि बारिश इतनी जबरदस्त हो गई कि फिर से पानी आ गया। तो दो तरफा पानी का वार वार है, एक तरफ से कोस्टल एरिया से सी वाटर का एनक्रोचमेंट, दूसरा ऊपर से बरसता हुआ कॉपियस रेनफॉल। तो इन दोनों की वजह से कोस्टल फ्लडिंग होती है और हाई विंड वेलोसिटी से नुकसान होता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे मॉनसून के बाद हमेशा फिशरमैन को बोला जाता है 3 महीने फिशिंग नहीं होती है इस एरियाज में, क्योंकि साइक्लोन आने की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ऑलराइट, इसीलिए अगर आप देखोगे जब हम फिशिंग भी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर प्रोड्यूसिंग मोर फिशेज देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर ड्यूरिंग द साइक्लोन मंथ 3 महीने मना किया जाता है कि आपने फिशिंग नहीं करनी। अगर साइक्लोन से बचना है तो सबसे सिंपल क्या तरीका है कि आप मैनग्रूव के फॉरेस्ट लगाओ कोस्टल एरिया में, क्योंकि मैनग्रूव क्या करेंगे, आने वाली तेज वेव्स को, उनकी स्पीड को तोड़ देंगे और उनके इम्पैक्ट को घटा देंगे। तो मैनग्रूव्स मैंने पहले भी बताया था कि आपको सुनामी से बचाते हैं, इस तरह की हाई एम्पलीट्यूड वेव को ही सुनामी बोला जाता है। सुनामी का मतलब है हाई एम्पलीट्यूड वेव्स, चाहे वो विंड वेलोसिटी के कारण हाई एम्पलीट्यूड आया हो या चाहे जमीन के नीचे ट्रेंचेस के अंदर अर्थक्वेक आया हो, जैसे 2004 का सुनामी आया था अंडमान में या तमिलनाडु के अंदर। तो मींस मैनग्रोव हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे कोरल्स, क्योंकि आपको पता है फ्रिंजेस के ऊपर कोरल्स होते हैं, ये भी वेलोसिटी को घटा देते हैं वेव्स की। तो कोरल्स एंड मैनग्रोव प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दी हाई वेलोसिटी वेव्स, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा, अब देखो एक डायमेंशन और मैंने इसका खोला है, हिंदुस्तान के अंदर कौन सी वो सैटेलाइट है जो साइक्लोन को प्रिडिक्ट करती है। अभी जो रिसेंट सैटेलाइट है SCAT-SAT-1, ये आप जब स्पेस के अंदर GS-3 के अंदर भी आप जब पढ़ते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, तो वहां पर भी सैटेलाइट पढ़ते हैं जिन्होंने हमारे साथ GS किया है, तो वे लोग जानते हैं। अगर आकृति मैम के लेक्चर लगाए हैं तो स्पेस के अंदर वो इतनी सारी सैटेलाइट के बारे में बताती हैं। तो एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो वेदर की डिस्टर्बेंसेस को गॉज करती है, विंड वेलोसिटी और प्रेशर डिफरेंस को लगातार मॉनिटर करती है, जिसके बेसिस पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि साइक्लोन कब और कहाँ आने वाला है। तो एक सैटेलाइट का मैंने नाम बताया है, ये सैटेलाइट है जो साइक्लोन को प्रिडिक्ट करती है। ये एक हमारी सीरीज थी OSINT-SAT-2 सीरीज, 2009 में ये लॉन्च हुआ था। इसी की कॉन्टिन्यूशन में और इम्प्रोवाइज वर्जन है, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज्यादा अच्छे कैमरे हैं, ज्यादा अच्छे डेटा एक्यूमुलेशन है, जिसके बेसिस पे ये प्रिडिक्ट किया जाता है साइक्लोन कब और कहाँ आएगा। इसने अभी तक जो बहुत अच्छे साइक्लोन प्रिडिक्ट किए थे, साइक्लोन थाने, साइक्लोन नीलाम, साइक्लोन फालिन, फालिन वॉज वन ऑफ दी डेडलीस्ट साइक्लोन, उसके बाद आप देखोगे कबायान, हरिकेन एरे, हरिकेन सैंडी, ये सब इन्होंने ही प्रिडिक्ट किया। ऑलराइट, तो इस तरह से आप देखोगे कि साइक्लोन प्रिडिक्शन के लिए हमारी कौन सी सैटेलाइट यूज की जाती है। तो सारे डायमेंशन खोलो, अगर 20 नंबर का सवाल है तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट जी, चलिए सेकंड टॉपिक ऑफ द डे। टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर के सवाल में आ सकता है, 20 नंबर के लायक नहीं है, क्योंकि एज अ कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा और पेचीदा नहीं है। ठीक है, टॉर्नेडोज का मतलब है इंटेंसिटी बढ़ गई है, इसका डायमीटर छोटा हो गया है, प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया है, तकरीबन 100 मिलीबार का प्रेशर डिफरेंस है और इतने कम दायरे के अंदर, छोटा सा डायमीटर और 100 मिलीबार का प्रेशर डिफरेंस, मींस विंड वेलोसिटी गो अप टू 600 किलोमीटर पर आवर, बहुत हाई विंड वेलोसिटी है। तो टॉर्नेडोज को एक्सप्लेन करो कैसे करोगे, दीज आर द इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम वेयर विंड फ्रॉम आउटसाइड रशेस टूवर्ड द सेंटर एट अ वेरी हाई स्पीड एंड अ लॉट ऑफ कंडेंसेशन इज इन्वॉल्व, एयर राइजेस स्पाइरली अपवर्ड क्रिएटिंग अ क्यूमुलो बिग क्यूमुलो कॉलीफ्लावर लाइक क्लाउड, और जहाँ मॉइस्चर बहुत डेंस है और ये डिवास्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे पहले, डेफिनेशन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन, टेक्निकल, रीजन्स कहाँ कहाँ पे आते हैं। ठीक है, सिंपल।
ये मैक्सिमम 5 नंबर के लायक आ सकता है। टोर्नेडो उसको डिफाइन के टेक्निकल ऑप्शनल लेवल पे चले गए। ट्रोनेडो ट्रोनाडा वर्ड से आया है जो स्पेनिश है, क्योंकि ये उन जगहों पे उस टाइम पे स्पेनिश प्लांटेशन बहुत फ्रीक्वेंट था यूएसए में। जब ये पड़े गए हैं, फनल शेप्ड रहते हैं, ऊपर की तरफ टेबुलर क्लाउड बनता है, और इनके सेंटर में भी कहीं पे, क्योंकि इंटेंस कंडेंसेशन है तो हमेशा एयर नीचे की तरफ बैठेगी, तो इसकी भी एक आई क्रिएट होती है, फनल क्रिएट होती है जहां पे एयर नीचे को बैठेगी। तो इस तरह से टॉर्नेडोज हैं। शक्ल इनकी टेक्निकल भाषा में ऐसे बनाना पड़ेगा जहां सेंटर में आप ड्राफ्ट ऑफ द विंड दिखाओगे और साइड पे वापस विंड नीचे की तरफ बैठ रही होगी, जिससे डिवास्टेशन भी होती है। ये वाला आप डायग्राम ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये दोनों ही ब्रिटेनिका से लिए गए डायग्राम है। तो कंडेंसेशन की एक फनल बनेगी और साइड पे, जैसे कि हमारा साइक्लोन होता है, जहां पे आई वॉल होती है वहां पे विंड ऊपर की तरफ राइज करती है और आई पे विंड हमेशा डिसेंड करती है, तो सेंटर पे विंड डिसेंड करेगी यहां पर भी, और डस्ट के क्लाउड्स भी बनेंगे, क्योंकि मैंने बताया ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए का फिनोमिना है। मेजरली दुनिया में कई जगहों पे आते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न हाफ डेजर्ट है, मिट्टी है, वहां पे लो प्रेशर इस प्रकार के सिस्टम बनना सरल होता है। यूएसए में जब से एग्रीकल्चर प्लांटेशन इंडस्ट्री थ्राइव करी है, 200-250 साल पहले से, जब से यूरोपियन सेटलमेंट शुरू हुआ है यूएसए के अंदर, तब से हमें टॉर्नेडोज देखने को मिलते हैं। पहले टॉर्नेडोज ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए का फीचर नहीं थे। तो इस तरह से इनको देखा जाएगा। ऑलराइट, ये तो एक डायग्राम और इसकी परिभाषा। फिर कैरेक्टर्स को देखिए, ये देखिए इस तरह से इस डायग्राम को समझिए कि किस तरह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे और एक बहुत बड़ा एनविल क्रिएट हो जाएगा, और इसका जो डायमीटर है सेंटर नीचे की तरफ आते आते घट जाएगा। तो इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको समझ आएगा किस तरह से मशरूम की तरह ये दिखता है टॉर्नेडो। ऑलराइट, डायग्राम मैंने पहले भी आपको दिखाए हुए थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, डायमीटर बहुत अधिक नहीं है, 150 से 600 मीटर है, मैक्सिमम आधे किलोमीटर का डायमीटर है, बहुत ज्यादा नहीं होता। स्पीड ग्राउंड पे जो टॉर्नेडो की दो स्पीड, देखिए मैंने हर चीज की दो स्पीड बताई, एक तो टॉर्नेडो की स्पीड है जो ये मूव करेगा, मूवमेंट की स्पीड, ये बहुत अधिक नहीं है, 30 से 45 किलोमीटर की है। लेकिन इसके अंदर जो विंड की वेलोसिटी है वो मैंने बताया था, वो तकरीबन 620 किलोमीटर तक जा सकती है। ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करते, छोटे सिस्टम है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते, मात्र 26 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। एक लोकलाइज्ड फिनोमिना है। सबसे डिस्ट्रक्टिव पार्ट होती है फनल, क्योंकि फनल में बहुत ज्यादा क्लाउड ऊपर की तरफ राइज होते हैं, डेंस होता है, और जब विंड पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आ रही होती है तो मैक्सिमम स्पीड सेंटर तक रीच हो जाती है जब वो ऊपर की तरफ उठती है। इसलिए फनल के आसपास वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप देखोगे कार्स तक को ये अपलिफ्ट कर देती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्टिंग ऑफ द विंड, और आप देखोगे फनल के अराउंड ही चीजें उड़ती हुई ऊपर को जाती है। तो फनल सबसे ज्यादा टर्बुलेंस वाला एरिया है, सबसे ज्यादा डेडलीस्ट है। प्रेशर डिफरेंस बाहर और अंदर में तकरीबन 100 मिली बार का है, और अगर स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द विंड्स देखेंगे टॉर्नेडोज के अंदर, तो इट इज वेरी वेरी हाई, अप टू 650 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट जी, अब देखिए रीजन्स कहाँ पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, यूएसए में तकरीबन 700 साइक्लो टॉर्नेडोज आते हैं, गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में ही आएंगे, अप्रैल टू जून का फिनोमिना है। और आएंगे कहाँ, अभी मैं दिखा देता हूँ यूएसए के किस हिस्से पे आएंगे, जहां पे बेसिकली हमें पता है कि एग्रीकल्चरल एरियाज है। दूसरा ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस का जो लोअर वाला पार्ट है वहां पे प्लेन इलाका है, ऊपर से गर्म इलाका है, सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं। अगर फ्रांस की वर्ल्ड मैप पे लोकेशन देखोगे तो इंडिया से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, इंडिया के साथ साथ में नदन वाले जिस लैटिट्यूड पे हम लोग बैठे हैं 30 और 32 पे, इसी के आगे जाके मेडिटेरियन सी और थोड़ा सा ऊपर फ्रांस है, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। वहां पे गर्मियां इंटेंस हैं फ्रांस के अंदर भी, इसलिए वहां पर भी इस तरह के टॉर्नेडोज थोड़े बहुत आ जाते हैं। चाइना में आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफी आते हैं आफ्टर यूएसए। ऑलराइट, तो ये आपको कुछ एक डेटा और नंबर पता होने चाहिए, रीजंस पता होने चाहिए, डायग्राम जरूर बनेगा। अगर टॉर्नेडो 20 नंबर में पूछ लिया गया तो पड़ेगा, 5 नंबर में कोई बुरा नहीं है। एक टॉर्नेडो का मशरूम वाला डायग्राम बना दो क्लाउड्स के साथ, दूसरा ये यूएसए का डायग्राम बना दो कि ये रहे वो एरिया जहां पे कॉटन प्लांटेशन, वीट कल्टीवेशन और टोबैको कल्टीवेशन हुआ था यूरोपियन टाइम पे, वहीं पे ही इन प्रेरीज के ग्रासलैंड में ही हमारे टॉर्नेडोज आते हैं। तो ये उनके जोन है, सेंटर वाले जोन में ज्यादा और यहाँ पे कम, और यहाँ पे और कम आते हैं, क्योंकि एक तो लैटिट्यूड भी बढ़ गए हैं, ठंडा हो जाता है, दूसरा रॉकीज के पास भी जा रहे हो और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांटेशन नहीं था। डन है जी। देखिए अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो यूएसए में सबसे ज्यादा बनाए हुए हैं, फिर यूरोप के कुछ एरियाज में है जहाँ पे फ्रांस प्रोमिनेंट है, ये चाइना और इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया में बनाए हुए यहाँ पे टॉर्नेडोज आते हैं, और थोड़ा सा ब्राजील के लोअर वाले पार्ट में, और उरुग्वे और अर्जेंटीना वाले पार्ट में जहाँ सब ट्रॉपिकल है। और तो इन जोन्स में साइक्लोन्स हमारे टॉर्नेडोज आते हैं।
टॉर्नेडोज से मिलते जुलते एक सिस्टम है जिनका नाम है वाटर स्पाउट्स। ये ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर टॉर्नेडो जैसा कि मैंने दिखाया डायग्राम में अगर पानी के ऊपर आ जाए तो इसको बोला जाता है वाटर स्पाउट। इसमें कंडेंसेशन ज्यादा है लेकिन प्रेशर डिफरेंस पेरिफेरी एंड सेंटर में उतना ज्यादा नहीं है, तो इंटेंसिटी लेस इन इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी है। ऑल राइट, तो इस तरह से ये सिस्टम आते हैं। डन है जी, तो चलिए इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको उस ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक्स को पिक करना है, ह्यूमिडिटी कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन ये नेक्स्ट टॉपिक में पिक करेंगे। ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेज हमारा हो गया है। ऑलराइट, तो सरल हैं ये एरियाज, निश्चिंत रहिए, अपने नोट्स को पढ़िए। मैंने अच्छा क्वालिटी कंटेंट देना है, फर्स्ट लेवल पे लेक्चर गए क्वालिटी कंटेंट गया, सेकेंड लेवल पे जब आंसर राइटिंग करेंगे तो और उसके अंदर कीवर्ड्स और डायग्राम और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखने का अभ्यास और प्रयास करेंगे। डन जी, थैंक्स अ लॉट।